बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चने के दाल का टुकड़ी हलवा बनाएंगे। चने का दाल का हलवा बनाने के लिए हम लिए हैं आधा किलो दाल, इसे धोकर 2 घंटे के लिए भिगो दिए थे, और आधा किलो चीनी, 1 पाव घी, थोड़ा सा किशमिश और नारियल कटा हुआ, बादाम और पिस्ता, और 5 सब्ज इलायची और चांदी का वर्क, ये सब गार्निशिंग के लिए। और सबसे पहले हम पतीली में दाल डालेंगे भिगोया हुआ, और इसमें 1 लीटर दूध डालेंगे इसे उबालने के लिए। आप चाहें तो पानी से भी उबाल सकती हैं, लेकिन दूध में उबालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब इसे गल जाने तक पकाएंगे। ये देखें, ये गल चुका है, चेक कर लेते हैं। देखें, ये बिल्कुल गल गया है और दूध भी खुश्क हो गया है, बस थोड़ा सा लिक्विडिटी है। इसे इसी तरह से ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें, ये ब्लेंड हो चुका है। अब कढ़ाई में घी डालेंगे, इसे गर्म होने देंगे अच्छी तरह से। अब इसमें सब्ज इलायची डालेंगे, और ब्लेंड किया हुआ दाल डालेंगे, और इसे थोड़ा सा भी भुनेंगे 2-3 मिनट तक। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाना ना भूलें। इसे 2-3 मिनट भुनेंगे। अब इसमें चीनी डालेंगे, चीनी डाल के इसे खूब भुनेंगे। इतना भुनना है कि जब कढ़ाई छोड़ने लगे हलवा, फिर ये तैयार हो जाएगा। इसे खूब भुनना है अभी, लगातार चम्मच चलाते रहना है ताकि नीचे से लगे ना। ये देखें, ये भुनाने पे आ चुका है, हार्ड हो रहा है। अब इसमें थोड़ा घी डालना है, 2-3 चम्मच घी और डालेंगे, और इसे फिर और भुनेंगे। घी डालकर भुनने से ये थोड़ा खस्ता रहता है, सख्त नहीं होगा। आप भी इसी तरह से जब भी बनाए हलवा तो घी डाल डालकर भुने उसे, तो बहुत ही मज़े का बनेगा। इसे खूब भुनना है लगातार चम्मच चलाते हुए। ये भुन रहा है, इतने देर में हम एक बर्तन में घी लगा लेंगे ताकि इसमें हलवा सेट कर लें। खूब अच्छी तरह से घी लगाएंगे पूरे में। ये देखें, अब ये हो चुका है, कढ़ाई छोड़ रहा है बिल्कुल। ये तैयार हो चुका है चने के दाल का हलवा।
अब इसे बर्तन में डालेंगे जिसमें घी लगा कर रखे थे। अब खूब अच्छी तरह से फैला लेंगे इसके ऊपर बराबर से। ये हो चुका है, अब इसमें चांदी का वर्क लगाएंगे। अब इस पे पिस्ता डालेंगे। और बादाम डालेंगे। और किशमिश डालेंगे। और नारियल डालेंगे। ये सब डाल के इसे दबाएंगे हल्के हाथों से ताकि ये सारा मेवा इसमें हलवा में वो हो जाए, चिपक जाए सही से। अब इसे कट कर लेंगे चूड़ी की मदद से। चने के दाल का टुकड़ी हलवा बनाना बहुत आसान है, आप भी बनाएं, आपको भी अच्छा लगेगा। इस तरह से बना कर देखें। अब तो शबे बारात आने वाली है, उसमें बना लें, जब दिल चाहे बना कर खाएं, खुद भी खाएं, घर वालों को खिलाएं, खुश रहें, आबाद रहें। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। ये कट हो चुका है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए इसका पीस कितना अच्छा निकला है, जम गया है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अल्लाह हाफिज़।